मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बाइक सवार 5 से 6 बदमाशों ने मोबाइल व्यापारी को चाकू मारकर 9 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। दरअसल मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर में रहने वाले मोबाइल व्यापारी 55 वर्षीय सुरेश गोयल अपनी दुकान बंद कर ड्राइवर के साथ घर आए थे। इसी दौरान जैसे ही वह गाड़ी से उतरे तभी बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। व्यापारी द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मारकर 9 लाख से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे। फिलहाल घायल व्यापारी का उपचार कराया गया, वहीं पुलिस प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्या घटना हुई? कुछ नहीं, हमारे ब्रदर रोज रूटीन में जैसे ऑफिस से रोज घर आते हैं, लगभग 9 बजे का समय था, वो घर आए। कुछ लोग यहाँ पर बाइक से, लगभग 4-5 लोग थे, 2 या 3 बाइक पे थे, वो जैसे ही गाड़ी से उतरे ड्राइवर के साथ में, उनके हाथ में बैग था जिसमें कैश भी था, काफ़ी कैश था, कुछ चेकबुक्स थी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कागज थे, उनको उन्होंने लूटा। और जब कुछ छीना झपटी हुई तो उनके पीछे उन्होंने कुछ चाकू से भी वार कर दिया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हाँ सर, क्या करते हैं आपके ब्रदर का नाम? सुरेश जी अग्रवाल नाम है मेरे ब्रदर का, कजिन ब्रदर का, और नोकिया एजेंसी का काम है जी। हाँ सर, कोई ड्राइवर भी था उनके साथ? हाँ ड्राइवर भी था जी। तो क्या लगता है आपको कि जाने पहचाने को किस कलर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बोलना भी बहुत अनुचित होगा अभी, क्योंकि हम तो अभी खुद ही शॉक्ड हैं, इसके लिए कुछ भी बोलना बहुत अनुचित होगा। किस इतना मेरे को तो नहीं मालूम कितना होगा, बट फिर भी जो केस है कुछ लाखों में है। चोट आई क्या उनको? हाँ, पीछे उनको चाकू मारा गया है, जब उन्होंने बैग छीनने की कोशिश प्रयास करा तो पीछे उनको एक चाकू मारा गया है। जो कितने बदमाश है जी? ठीक है, मेरा नाम मैं उनका ब्रदर हूँ, कजिन ब्रदर हूँ, दीपक खंडेलवाल नाम है मेरा। बस कर दें। हाँ सर, एक वारदात हुई है, 5-6 बदमाश कुछ बैग छीन कर ले जाने की बात है, 9 लाख रुपए रकम। ये आज रात 9:15 की बात है। सुरेश गोयल जी है, ये व्यापारी है, दूध का धंधा है इनका, और आज अपने ऑफिस से जब एक घर की तरफ आए तो घर के ठीक सामने एक बदमाश आया और उसको उसने उनको चाकू दिखाकर, उनके हाथ में बैग था, बैग में करीब 9 से 10 लाख रुपए थे, वो लेके भागा। भाग के उसका सामने ही उसका एक साथी था जो मोटरसाइकिल पे था, इंतज़ार कर रहा था, उनके गाड़ी में बैठे और चल दिए। एक चीज़ और सामने आई है कि ये रास्ते में 2 लोग और थे मोटरसाइकिल पे थे, वो भी उसी तरफ गए जहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाला गया। तो इस तरह जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि करीब इस घटना में 4 से 5 लोग थे और 2 मोटरसाइकिल्स थी। जो सुरेश गोयल है उनसे बातचीत वगैरह हुई है और उनसे जो उनका जो भी घटना से जुड़े हुए और भी तथ्य है, आसपास के और भी लोगों ने देखा है, कुछ कैमरास में भी हमें जानकारी मिली है, तो जल्दी पुलिस इस पूरी वारदात को पर्दाफाश करेगी और जल्दी हमें पूरी उम्मीद है कि हम आरोपियों तक पहुंच जाएगी। हाँ सर, इसमें बताया जा रहा है कि वो घायल भी हुए हैं, कुछ साथी भी मारे। जो सुरेश गोयल जी है वो बैग जब छीन रहा था बदमाश, तो उसने उनके साथ में झूमा झटकी हुई थी, झूमा झटकी में जो हाथ में चाकू था वो उसके उनके पीछे की तरफ लगा है, तो हल्की सी खरोच है, लेकिन उनका हम मेडिकल जो डॉक्टर्स के पास भेज के उनका हम प्राथमिक उपचार करा रहे हैं। सर, ड्राइवर ने भी 10 दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया। देखिए, इसमें बहुत सारी तथ्य अभी ऐसे है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जो उनके जुड़े हुए इस घटना से, हम हर तथ्य को देख रहे हैं।